हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफ एंड ओ के बारे में। एफ एंड ओ मीन्स फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर और ऑप्शन में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, वही चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरी जो वीडियो रहेगी वो बेस टू बॉडी टाइप की मींस वीडियो रहेगी। मींस कोई बिगिनर होगा तो भी वो अच्छे से समझ पाएगा क्या इक्विटी होता है, क्या फ्यूचर होता है, क्या ऑप्शन होता है, फ्यूचर में वो कैसे ट्रेड कर पाएंगे, ऑप्शन में वो कैसे ट्रेड कर पाएंगे, सारी चीज़ें ये वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी वो मेरा खुद का मानना है, और अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है तो स्किप किए बिना वीडियो को पूरी देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, देन आप खुद से भी ट्रेड कर पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे कि मैंने बोला है कि ये पूरी एक बेस टू बॉडी टाइप की पूरी वीडियो रहेगी, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग होती क्या है। इन सिंपल वर्ड अगर बात करें तो ट्रेडिंग क्या होती है, कोई भी गुड्स होते हैं या सर्विसेज होती है उसको बाय किया जाता है या फिर सेल किया जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं ट्रेडिंग। मीन्स चीज़ों को बाय सेल किया जाता है उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। वही चीज़ को फाइनेंशियल मार्केट में अगर वो चीज़ कोई सिक्योरिटी होती है, और जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी तो जहाँ तक बात है ये वीडियो की, तो यहाँ पे सिक्योरिटी है स्टॉक या फिर शेयर। कोई भी स्टॉक है या फिर कोई शेयर है उसको खरीदा और बेचा जाता है, तो उसे फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग कहा जाता है। अब ये ट्रेडिंग जो होती है वो किन चीज़ों में ट्रेडिंग की जाती है। देखिए, आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, जिसे कैश भी बोला जाता है, कई लोग कैश ट्रेडिंग भी बोलते हैं, तो आप इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हो। इक्विटी में मीन्स शेयर की खरीदी और बिकवाली जो होती है उसी को इक्विटी ट्रेडिंग बोलते हैं। साथ ही साथ कॉमोडिटीज में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कॉमोडिटीज मीन्स जो कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं, ओके, जैसे गोल्ड समझ लीजिए, सिल्वर, कॉपर वगैरह में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, और साथ ही साथ कुछ ग्रेन्स जो होते हैं, ओके, व्हीट, राइस, शुगर वगैरह, तो ये सारे जो होते हैं उसे कॉमोडिटीज बोला जाता है। तो आप कॉमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो, आप शेयर में भी ट्रेड कर सकते हो, और साथ ही साथ आप करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो। तो आप समझ लीजिए ये तीन चीजों में आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, शेयर में, कॉमोडिटीज में या फिर करेंसी में। अब ये जो ट्रेडिंग होगा वो ट्रेडिंग कैसे किया जाएगा, ये जो शेयर में आप ट्रेडिंग करते हो या फिर कॉमोडिटी में करते हो या फिर करेंसी में ट्रेड करते हो, तो वो ट्रेड आप कैसे कर सकते हो, किस तरह, कौन से टाइप से ट्रेडिंग के, ओके, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो, आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये कुछ मीन्स ट्रेडिंग के टाइप्स हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स समझ लीजिए कि आप इक्विटी या फिर कॉमोडिटी या फिर करेंसी किसी भी एक को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो ट्रेड आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। मीन्स एक ही दिन में आपको शेयर को खरीदना है और बेचना है, या फिर हो सकता है वो शेयर को आप पहले बेचोगे फिर खरीदोगे, तो इसे ही बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मीन्स एक ही दिन में ये चीजें आपको करनी है बाय और सेल की, ओके। जहां तक बात है पोजिशनल ट्रेडिंग की, तो एक दिन से ज्यादा वक्त के लिए अगर आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड को होल्ड करके रखते हो तो उसे ही बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग, ओके। और पोजिशनल ट्रेडिंग का ही बड़ा रूप है जिसे बोला जाता है डिलीवरी ट्रेडिंग, जिसे कई बार कैश एंड कैरी भी बोला जाता है, ओके। तो डिलीवरी बेस्ड अगर ट्रेडिंग होगी आपकी, तो उस केस में जो वक्त होगा, जो लेंथ ऑफ टाइम होगी वो ज़्यादा होगा। मीन्स वो हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 4 साल, कुछ भी हो सकता है। और ये डिलीवरी ट्रेडिंग का ही जो बड़ा रूप है उसे ही बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। मीन्स शेयर आपने खरीद के रख लिए, अब आप जब चाहो लाइफ में जब चाहो तब उसे बेच सकते हो, ओके। तो इसे ही बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग, और डिलीवरी ट्रेडिंग का ही जो बड़ा रूप है उसे हमने बोला इन्वेस्टमेंट, ओके। जहाँ तक बात है
इंट्राडे सॉरी पोजिशनल ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। पोजिशनल ट्रेडिंग कुछ वक्त के लिए होता है, कई बार 2-3 महीनों के लिए भी आप होल्ड पे रखते हो आप अपना शेयर खरीदने के बाद, तो उसे भी कई बार पोजिशनल ट्रेडिंग कंसिडर किया जा सकता है। ओके, तो पोजिशनल ट्रेडिंग का ही बड़ा जो रूप है उसे हम बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग, और वो डिलीवरी ट्रेडिंग ही एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होता है आपका स्टॉक या फिर शेयर में। तो 3 तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, आप डिलीवरी ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है और पोजिशनल ट्रेडिंग है उसी के लिए एक वर्ड भी यूज होता है, स्विंग ट्रेडिंग। मीन्स आप स्विंग ट्रेडिंग एक दिन के लिए भी कर सकते हो, इंट्राडे में भी आप स्विंग ट्रेडिंग यूज कर सकते हो और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी स्विंग ट्रेडिंग यूज। अब ये स्विंग ट्रेडिंग होगा क्या? तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है। जैसे समझ लीजिए अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है कि अभी मार्केट में करेक्शन मिलेगा, ओके, और वहां पे आप शॉर्ट करोगे। अभी शॉर्ट वगैरह क्या होता है सारी चीजें मैं आपको भी समझाऊंगा, ओके। और कहीं पे आपको लगता है कि डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो कि कहीं से मार्केट को सपोर्ट मिलेगा और वहां से बाइंग आएगी, ओके, तो वहां पे आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, मींस बाय की पोजीशन बनाओगे। तो ये कुछ तरह के ट्रेडिंग टाइप्स होते हैं जो आप उस तरह से मींस ट्रेडिंग कर सकते हो। तो पहली तो चीज हमने देखी कि कौन कौन से सेगमेंट है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे इक्विटी या फिर कैश, कॉमोडिटी एंड करेंसी, ओके, और ये तीनों को कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो ये ट्रेडिंग टाइप्स भी हमने बता दिए। अभी समझ लीजिए कि मुझे इक्विटी में ही ट्रेड करना है, मुझे कोई स्पेसिफिक स्टॉक है उसमें ट्रेड करना है। पहले मैंने सेगमेंट चूज कर लिया कि कैसे सेगमेंट में मुझे काम करना है, मुझे रिलायंस का शेयर है उसके ऊपर ट्रेडिंग करनी है। अभी रिलायंस का शेयर मैं इंट्राडे में ट्रेड करना चाहता हूँ या पोजिशनल ट्रेड करना चाहता हूँ या डिलीवरी में ट्रेड करना चाहता हूँ वो भी सोच लिया। समझ लीजिए इंट्राडे में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो अभी वो इंट्राडे में मैं उसको किस तरह से ट्रेड कर पाऊंगा, मीन्स मेरे पास ट्रेडिंग व्यूज कौन से है। मैं रिलायंस को अगर ट्रेड करना चाहता हूँ तो रिलायंस को इंट्राडे में मुझे ट्रेड करना है, मीन्स आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, या फिर आज ही बेचना और आज ही खरीदना है, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन कौन से है, ओके। तो ट्रेडिंग के लिए जो ऑप्शंस होते हैं इसी को बोला जाता है ट्रेडिंग व्यू, ओके। और ये ट्रेडिंग व्यूज 3 तरह के होते हैं, एक जिसे बोलते हैं इक्विटी, दूसरा जिसे बोलते हैं फ्यूचर, और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं ऑप्शन। इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O भी बोला जाता है, और फ्यूचर और ऑप्शन वो एक तरह के डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, और इक्विटी की जो स्पॉट प्राइस होती है उससे ही उसकी वैल्यू डिराइव होती है, इसीलिए इसको डेरिवेटिव प्रोडक्ट बोलते हैं। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ओके, अदरवाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो अगर इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शन, मींस समझ लीजिए ये जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O, ये F&O को अगर इक्विटी से अलग से देखना है तो क्या क्या डिफरेंस आप उसमें देख पाओगे। जहां तक बात है इक्विटी की, तो इक्विटी में आप कोई भी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, यू कैन बाय एनी क्वांटिटी ऑफ स्टॉक इन इक्विटी। मींस इक्विटी में आपको ट्रेड करना है तो आप कोई भी मींस क्वांटिटी बाय कर, 5, 15, 50, आप इवन एक स्टॉक भी बाय कर सकते हो। जहां तक बात है फ्यूचर एंड ऑप्शन की, तो वहां पे आपको स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपको बाय करनी रहती है। मीन्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको हर एक स्टॉक के लिए बोला जाता है कि इसमें आपको 25 क्वांटिटी तो बाय करनी ही पड़ेगी, 50 तो बाय करनी पड़ेगी, या वैसे 25 और 50 नहीं होती, वो ज़्यादातर इंडेक्स में देखने को मिलता है। अदरवाइज स्टॉक की बात करें तो वहाँ पे 250 क्वांटिटी, 1250 क्वांटिटी, कहीं पे 5000 क्वांटिटी भी होती है। तो एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी जो होती है वो आपको बाय करनी पड़ती है, और वो जो क्वांटिटी है उसे ही यहाँ बोला जाता है लॉट। मीन्स स्टॉक को जब आप बाय करोगे तो वहां पे क्वांटिटी होगी, लेकिन जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाइंग करते हो या फिर सेलिंग करते हो तो वहां पे आपको लॉट में बाय करना, मीन्स काफी सारी मीन्स क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, ओके, स्पेसिफाइड क्वांटिटी होनी चाहिए, उसमें ही आप बाय या सेल कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं स्क्रीन पे भी आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, ओके, पहले सिर्फ समझा देता हूँ चीजों को।
देन दूसरी एक चीज है जहां पे आपको एफ एंड ओ और इक्विटी में डिफरेंस दिखेगा और वो है शॉर्ट ट्रेडिंग। मीन्स अगर आपको शॉर्ट सेल करना है, अभी ये भी बता दूं शॉर्ट सेल क्या होता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि आप स्टॉक को बाय करोगे देन उसे सेल करोगे तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन जहां तक बात है ट्रेडिंग की तो वहां पे आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। जब आप बाय करने के बाद सेल करके प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, मीन्स बाय के बाद आप सेल करते हो तो उसे लॉन्ग पोजिशन बोलते हैं, लॉन्ग करना भी बोलते हैं, ओके। और कई बार आप ये भी कर सकते हो कि स्टॉक को पहले सेल करो देन बाय करो, ओके, और इस तरह से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो सेल करने के बाद अगर बाय करते हो तो उसको ही बोला जाता है शॉर्ट सेलिंग, ओके। तो इक्विटी और एफ एंड ओ में जो डिफरेंस है वो शॉर्ट सेल का भी डिफरेंस है। इक्विटी में अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो वो सिर्फ आप इंट्राडे में ही कर पाओगे, मीन्स एक दिन के लिए ही आप सेल करने के बाद बाय कर पाओगे। जहां तक बात है एफ एंड ओ की तो वहां पे आप वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक एंड नहीं होगा, क्योंकि एफ एंड ओ एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट जब तक एंड नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट तक आप शॉर्ट सेल करके रुक सकते हो, ओके। तो उसमें आपको मीन्स टाइम ज्यादा मिल जाएगा। इक्विटी के लिए अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो आपके पास एक ही दिन है, जहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपके पास एक्सपायरी डेट जो होती है, मीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है तब तक आपके पास टाइम होता है, और वो एक्सपायरी एक महीने, दो महीने और ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के लिए होती है। वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। आगे चलते हैं। तो ट्रेडिंग जो होती है इक्विटी में वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं होती है, ओके। लेकिन एफ एंड ओ की अगर बात करें तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आप अपनी ट्रेड को एक महीने, दो महीने या तीन महीने के लिए होल्ड करके रख सकते हो। जहां तक बात है स्टॉक में एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करने की, स्टॉक में आपको एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करनी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड रख सकते हो एक महीने, दो महीने या तीन महीने के लिए आप उसे होल्ड रख सकते हो, ओके। और ये एक महीने के लिए मुझे अगर होल्ड रखना है तो मंथ का जो लास्ट वाला थर्सडे होगा, मंथ का जो लास्ट वाला थर्सडे होगा वही होगी एक्सपायरी। अगर दो महीने के लिए रखना है तो दूसरे महीने का लास्ट वाला थर्सडे होगा वो उसकी एक्सपायरी होगी, और ऐसे ही तीसरे महीने तक आपको अगर होल्ड करके रखना है अपना कॉन्ट्रैक्ट तो तीसरे महीने का जो लास्ट थर्सडे होगा वो आपकी एक्सपायरी डेट होगी। तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट का एक ड्यूरेशन हो जाएगा, ओके। तब तक आप स्टॉक को शॉर्ट सेल करके भी रख सकते हो, होल्ड पे रख सकते हो। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है कि आपको शॉर्ट सेल करने के बाद भी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। और यही जो एक्सपायरी है ये स्टॉक के लिए हर मंथ की, मींस तीन एक्सपायरी होती है आपके पास, पहले मंथ की, दूसरे मंथ की और तीसरे मंथ की, ये स्टॉक के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जहां तक बात है इंडिसेस की, मींस अगर आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वहां पे आपको वीकली एक्सपायरी भी मिलती है। मींस हर वीक का थर्सडे उसकी एक्सपायरी होगा, ओके, हर वीक का थर्सडे उसकी एक्सपायरी होगा। तो मींस ये जो एफ एंड ओ होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है, और बेनिफिट यही है कि अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो भी लंबे वक्त के लिए आप उसे होल्ड करके रख सकते हो एज पर योर एक्सपायरी डेट दैट यू हैव चूज, ओके। चलिए अभी इक्विटी और एफ एंड ओ में दूसरा एक डिफरेंस है वॉलेटिलिटी, या फिर हम इसे दूसरी तौर से अगर देखें तो उसे हम लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं, ओके। अगर आप इक्विटी में अगर ट्रेड करते हो तो वो थोड़ी कम वॉलेटिलिटी उसमें ज्यादा दिखने को नहीं मिलती। मीन्स अगर 1920 पे अगर स्टॉक चल रहा है तो हो सकता है 1925 पे, 1930 पे काफी कम स्टॉक होते हैं, या जो 2000 तक भी मूव करते हैं, लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी मीन्स उसमें लिक्विडिटी कम रहती है। जहां तक बात है एफ एंड ओ की तो उसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिलती है। मीन्स इंट्राडे में ज्यादातर लोग एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि उसमें मार्केट वॉलेटाइल रहता है, और जहां तक बात है वॉलेटिलिटी की तो ज्यादा वॉलेटिलिटी की वजह से एफ एंड ओ रिस्की भी ज्यादा है, ये इक्विटी से ज्यादा रिस्की है। इक्विटी इतनी ज्यादा रिस्की नहीं है, अगर आप अच्छे से ढंग से समझ के करोगे चीज
तो इक्विटी ट्रेडिंग करते हो, कैश में ट्रेडिंग करते हो, तो वो ज्यादा रिस्की नहीं रहता है आपके लिए। हालांकि रिस्की तो होता ही है, लेकिन ज्यादा रिस्की नहीं है। लेकिन एफ एंड ओ ज्यादा रिस्की है, इसको आप अच्छे से समझोगे नहीं, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह आपको पता नहीं होगा, तो हो सकता है आप बड़ा लॉस भी ले सकते हो। तो एफ एंड ओ इक्विटी की कंपेयर में ज्यादा रिस्की है। ओके, अभी ये जो इक्विटी है और एफ एंड ओ है, वो अगर सूटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इक्विटी ज्यादातर रिटेल ट्रेडर को सूटेबल होता है। रिटेल ट्रेडर के लिए वो ज्यादा सूटेबल है इक्विटी ट्रेडिंग करना। ओके, और एफ एंड ओ ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ज्यादा सूटेबल रहता है। और वही इसमें जो मीन्स जो हाई वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है, वो ये जो जो मीन्स बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, इनकी वजह से ही आपको इसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है। और ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर बात करें तो वो हो सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड हाउसेस एटसेट्रा, ये सारे जो मीन्स ये बिगर प्लेयर होते हैं जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं, और इसी की वजह से अच्छी खासी आपको वॉलेटिलिटी इसमें देखने को मिलती है। ओके, अगर फ्लेक्सिबिलिटी पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो एफ एंड ओ है उसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप इंडाइसिस में भी ट्रेड कर सकते हो। मीन इंडेक्स जो होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जहां तक बात है इक्विटी ट्रेडिंग की, तो वहां पे आपको आप मीन्स निफ्टी, बैंक निफ्टी या फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह जो इंडाइसिस हैं, जो इंडेक्स हैं ये सारे, उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेड करना पड़ेगा। उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो आपको इक्विटी सेगमेंट इक्विटी में नहीं मिलेगी। चलिए, अभी आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर इक्विटी एंड एफ एंड ओ में जो डिफरेंस है वो तो ठीक है, समझ लिया हमने, लेकिन ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, ये हमें अच्छे से समझना है। देखिए, जहां तक बात है फ्यूचर की, फ्यूचर में आप अगर ट्रेड करते हो तो वहां पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिसाइड करता है आपका स्पॉट प्राइस। आपकी जो भी स्पॉट प्राइस होगी वही डिसाइड करेगा कि आपको कितना प्रॉफिट होगा या आपको कितना लॉस होगा। वहीं पे अगर ऑप्शन की मैं बात करूं, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं, तो वहां पे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिटरमाइन करता है आपका आपका जो भी प्रीमियम है, वो प्रीमियम की वैल्यू में जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, प्रीमियम की वैल्यू में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वही चीज डिसाइड करती है कि आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब ये चीजें थोड़ी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी या अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिकली हमें समझना पड़ेगा, और इसी के लिए आपको मुझे स्क्रीन पे कुछ चीजें है वो बतानी पड़ेगी। तो आप अच्छे से ये इक्विटी ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से समझ पाओगे। तो इसको एक एग्जांपल से हमें समझना है। तो यहाँ पे हमने रिलायंस का जो डेटा है वो रिलायंस का डेटा यहाँ पे फीड करके, यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हो वॉच लिस्ट में, मैंने रिलायंस का इक्विटी भी वॉच लिस्ट में डाला हुआ है। फ्यूचर की अगर बात करें तो 3 महीनों के लिए अप्रैल, मई और जून तीनों का फ्यूचर भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। और जहाँ तक बात है ऑप्शन की, तो वो मुझे आपको अलग से समझाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। पहले बात करते हैं इक्विटी ट्रेडिंग की, और जहाँ पे हमने बात की थी इक्विटी ट्रेडिंग में आप कोई भी स्टॉक की कोई भी क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। अभी समझते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आपको रिलायंस का जो स्टॉक है वो बाय करना है तो यहाँ पे सिंपली आप बाय पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ मेनू है वो पॉपअप होगा, और वहां पे अगर आप देखोगे तो देखिए रेगुलर में इंट्राडे में अगर मुझे एक क्वांटिटी बाय करनी है तो मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए इंट्राडे में, मीन्स एक ही दिन के लिए मुझे इसे बाय करना है और देन सेल कर देना है एक ही दिन में। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं होगा, एक ही दिन में मीन्स सुबह अगर 9:15 पे मार्केट शुरू होती है और उसके बाद आप कभी भी बाय कर लेते हो तो फिर 3:15 या फिर 3:20 आपके पास ज्यादा से ज्यादा टाइम होगा, तब तक आप सेल कर सकते हो, उसमें ही आपको प्रॉफिट निकालना है या फिर लॉस लेके निकलना है। ओके, तो अगर बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की, एक क्वांटिटी मुझे बाय करनी है और उसकी जो प्राइस है वो है 1931,
रिलायंस की अभी एनएससी में जो प्राइस चल रही है, बीएससी दोनों में सेम ही चल रही, 1931 प्राइस चल रही है। तो 1931 रुपए मेरे पास होने जरूरी नहीं है, मेरे पास अगर 212 रुपए होंगे तो भी मैं रिलायंस का ये एक स्टॉक बाय कर पाऊंगा, उसकी एक क्वांटिटी बाय कर पाऊंगा। लेकिन हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन भी समझना है, तो उसको कंपेयर करने के लिए ही यहां हम क्वांटिटी लेते हैं 250। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि इक्विटी फ्यूचर और ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, वही समझाने के लिए हम क्वांटिटी लेते हैं 250। तो अगर 1931 की जो प्राइस चल रही है उस पे मुझे रिलायंस के 250 स्टॉक खरीदने हैं तो मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए, 53,000 समथिंग, जो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मार्जिन रिक्वायर्ड, सिंपली यहाँ पे बता रहा है। ओके, तो ये इंट्राडे के लिए, मीन्स आज ही मैं बाय करूंगा, आज ही सेल करूंगा। अगर यही चीज 53,000 आपको इंट्राडे के लिए वैल्यू है, कितने, 250 स्टॉक खरीदने के लिए, वही अगर मुझे ट्रेड डिलीवरी में अगर इक्विटी में ट्रेड करना है, ओके, मींस इसको मैं होल्ड करके रखना चाहता हूं कई वक्त, तो 250 क्वांटिटी मुझे खरीदने के लिए मेरे पास कितने अमाउंट होनी चाहिए, 4,82,000, ओके, 4,82,000 समथिंग, जो भी, मींस 83,000 ही कंसिडर करो, तो 4,83,000 जितनी अमाउंट होगी तब जाके मैं डिलीवरी में इसको होल्ड करके रख पाऊंगा। दूसरी एक चीज, यहाँ पे अगर मुझे शॉर्ट सेल करना है, मींस मुझे इसको सेल करना है पहले और फिर बाय करना है, तो यहाँ से भी आप वो चीजें, ये देखिए स्वैपिंग यहाँ से होगा, यहाँ से आप स्वैपिंग करोगे, तो मींस 250 क्वांटिटी मुझे सेल करनी है पहले 1931, मुझे लगता है 1931 पे मैं सेल करूंगा, फिर दिन खत्म होने से पहले मुझे लगता है ये 1920 पे भी मुझे प्राइस मिल जाएगी तो 11 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मैं निकल जाऊंगा। ओके, तो 1931 पे अगर मैं इसको सेल करता हूं तो वहां पे भी आपको कितनी मार्जिन चाहिए, देखिए अभी यहाँ पे शॉर्ट सेल में कोई मार्जिन नहीं दिखा रहा, तो अच्छा ये लॉन्ग टर्म के लिए था, हम इंट्राडे में ही शॉर्ट कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे देखिए अभी इसको मुझे शॉर्ट करना है 250 क्वांटिटी पे, तो वो उसके लिए भी मार्जिन ज्यादा नीचे, बाइंग में जो था वही मार्जिन मेरे पास होनी चाहिए शॉर्ट सेल करने के लिए भी, 53,000। ओके, और ये मैं एक ही दिन के लिए रुक पाऊंगा इसके लिए। तो ये जो बात हुई वो है इक्विटी ट्रेडिंग के लिए, कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, तो ये रिलायंस का, मींस इक्विटी में अगर ट्रेड करना है तो इस तरह से आप कर पाओगे। अभी रिलायंस का फ्यूचर में मुझे ट्रेड करना है तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो भी स्टॉक होगा उसका जो फ्यूचर होगा, या फिर कोई भी इंडाइसिस होगा उसका फ्यूचर होगा, वो फ्यूचर डिस्काउंट पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। अभी ये थोड़ा डिस्काउंट और फ्यूचर क्या है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए रिलायंस की अभी जो प्राइस चल रही है वो है 1931, ये इसकी स्पॉट प्राइस है। ओके, मींस इक्विटी की जो प्राइस चल रही है वो, अभी फ्यूचर में आप उसकी प्राइस देखो, ये तीनों एक्सपायरी है, मींस तीन कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, मई का है और जून का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, तीनों में अगर आप देखोगे तो तीनों एक्सपायरी में आपको जो प्राइस दिख रही है वो प्राइस मुझे बताए ये डिस्काउंट पे है या फिर प्रीमियम पे है, तीनों में प्रीमियम पे इसकी प्राइस चल रही है, मींस रिलायंस का ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट जो है, तीनों महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रीमियम पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पॉट प्राइस है 1931 उससे उसकी फ्यूचर की जो प्राइस है वो ज्यादा है। अगर स्पॉट प्राइस से फ्यूचर की प्राइस ज्यादा होगी तो हमें बोलना है कि फ्यूचर प्रीमियम पे चल रहा है। अगर स्पॉट प्राइस से फ्यूचर की प्राइस कम है, मीन समझ लीजिए 1931 अभी रिलायंस चल रहा है और उसके फ्यूचर अप्रैल की प्राइस है 1920, तो उसे हम बोलेंगे कि रिलायंस का जो अप्रैल का जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट पे चल रहा है। तो मीन स्पॉट प्राइस से कम प्राइस होगी अगर कॉन्ट्रैक्ट की तो वो डिस्काउंट, फ्यूचर डिस्काउंट में है, ऐसा बोलेंगे, और अगर स्पॉट प्राइस से ज्यादा प्राइस होगी फ्यूचर की तो उसे बोलेंगे फ्यूचर प्रीमियम पे। तो ये सिंपल सी चीज मैंने आपको समझा दी। अब क्या करना है, अब ये फ्यूचर तीन कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, हम तीन चूज कर सकते हैं कोई भी, कि अगर मुझे लगता है कि 1940 पे मैं मीन्स इसको बाय करूंगा और फिर मैं अप्रैल का जो लास्ट थर्सडे है उससे पहले मैं कभी भी आप आज ही खरीदा और आज ही बेच सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, या पाँच दिन बाद भी, लेकिन लास्ट डेट होगी आपकी अप्रैल का लास्ट थर्सडे होगा, वो आपकी एक्सपायरी होगी। ओके, और तब तक आप शॉर्ट सेल भी कर पाओगे,
चलिए अप्रैल का जो फ्यूचर है उसको बाय करके मैं बताता हूँ आपको, आपको बाय करना है अगर अप्रैल का फ्यूचर। देखिए क्वांटिटी यहाँ पे कितनी मिली हमें, 250। यहाँ 250 से कम क्वांटिटी आप बाय नहीं कर पाओगे, ये हमेशा लॉट में बाय करना रहता है। फ्यूचर और ऑप्शन हमेशा लॉट में बाय किया जाता है, मीन स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही बाय करना है। तो यहाँ पे 250 क्वांटिटी ऑलरेडी ये हमें दिखा रहा है। ओके 1940 प्रीमियम पे चल रहा है अप्रैल का जो फ्यूचर है वो रिलायंस का। ओके तो 1940 उसकी प्राइस है, 250 क्वांटिटी है। अगर उसको इंट्राडे में आपको बाय करना है तो 58,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। जहाँ पे इक्विटी की बात है तो वहाँ पे कुछ 53,000 समथिंग थे। ओके तो ये तो बात हुई कि मुझे फ्यूचर बाय करना है, लेकिन फ्यूचर को अगर सेल करना हो तो चलिए इसके फ्यूचर को मुझे सेल करना है तो हमने सेल कर दिया, मीन शॉर्ट सेल करना है। अब शॉर्ट सेल में आप देखिए यहाँ पे मार्जिन कितना जरूरी है, 58,000। सेम जो बाइंग में है वही सेलिंग में आपको मार्जिन नजर आ रहा है, वो है 58,000। मीन ज्यादा वेरिएशन नहीं है बाइंग और सेलिंग में, मार्जिन सेम ही है 58,000। और इसको इंट्राडे से हम करते हैं ओवरनाइट। चलिए ओवरनाइट कर दिया हमने, इसको बाय कर देते हैं। चलिए बाय करते हैं ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के लिए अगर बाय करते हैं फ्यूचर को या फिर उसे सेल करते हैं, देखिए यहाँ पे सेल भी कर लिया बाय भी कर लिया, दोनों के लिए एक ही मार्जिन है। ओवरनाइट के लिए दोस्तों मींस एक्सपायरी तक, जब तक इसकी ये कॉन्ट्रैक्ट की अप्रैल का लास्ट थर्सडे आ जाएगा तब तक, यहाँ दिखा रहे हैं अप्रैल फ्यूचर। ओके तब तक आप इसे होल्ड करके रख सकते हो सेल करने के बाद भी। तब आप ही बताओ कि जहां पे हमने इसका इक्विटी अगर हमें डिलीवरी में मींस शॉर्ट तो कर ही नहीं पाते, इक्विटी शॉर्ट नहीं होता है। ओके और जहां तक बात है उसको ओवरनाइट होल्ड करने की बाइंग के लिए भी, तो वहां पे 4 लाख से ज्यादा कुछ 4,82,000 समथिंग अमाउंट आप हमारे पास होनी चाहिए अगर इक्विटी में ट्रेड करना है, डिलीवरी के लिए ट्रेड करना है। यहाँ पे अगर आपको ओवरनाइट मींस ये डिलीवरी में ही होगा, डिलीवरी में मुझे बाइंग करनी है तो भी मेरे पास कितनी अमाउंट होनी चाहिए, 1,11,000 तकरीबन 1,12,000 होने चाहिए। कहाँ पे 4,82,000 और 1,11,000, तो कितना डिफरेंस है। तो फ्यूचर का क्या बेनिफिट है यहीं पे आप समझ पाओगे। अब यही चीजें आप मई के लिए या जून के लिए भी देख सकते हो। ओके अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लगता है कि मई तक कुछ फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी प्राइस में, ओके तो आप मई का कॉन्ट्रैक्ट भी चूज कर सकते हो और जून का कॉन्ट्रैक्ट भी चूज कर सकते हो। और इसका फंडा सेम, उसका जो मींस प्रॉफिट आपको निकालना है, ओके एफ एंड ओ मींस फ्यूचर एंड ऑप्शन को यही डिफरेंस है। देखिए यहां से समझ लीजिए 1940 पे मैंने इसको बाय कर लिया 250 क्वांटिटी, ओके और मैंने इसको होल्ड करके रखा ओवरनाइट। ओके इतना फंड है मेरे पास, तो अभी ये 1940 से 1950 जब भी होगा मैं प्रॉफिट लेके निकलूंगा, 10 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ओके तो वो सेम इक्विटी में जो प्रॉफिट का फंडा काम करता है वैसे ही काम करेगा। इसको शॉर्ट सेल करूंगा तो भी इक्विटी का जो सेम फंडा है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके तो ये बात हुई अप्रैल मई और जून की, 3 एक्सपायरी में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे वेरिएशन आपको दिखेगा 1940, 1948, 1956, तो वो चेंज होता रहता है। ओके वो आप पे डिपेंड करता है कि मुझे अगर 1956 पे मींस आपको वक्त ज्यादा चाहिए, 3 महीने के लिए एक्सपायरी चाहिए आपका कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने के लिए आपको छूट चाहिए, मींस एक तरह की 3 महीने तक कुछ भी हो सकता है, 1940 पे हो सकता है, 1900 भी हो जाए, अप्रैल में तो पूरा मुझे लगता है कि 1900 भी चला जाए, 1940 से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जहां तक बात है जून एंड की, तो वो हो सकता है 2000 तक निकल जाए, तो मैं जून तक अगर रुकना चाहता हूं तो मैं ये वाला जो मींस कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर का जून का वो चूज करूंगा और उसको बाय करूंगा। ओके तो चीजें ऐसे बदलती रहती है। चलिए अब हम समझते हैं कि अगर रिलायंस का मुझे ऑप्शन ट्रेड करना है तो ऑप्शन में कैसे ट्रेड कर पाऊंगा। देखिए ऑप्शन में भी आपको ट्रेड करनी है तो वहां पे भी क्वांटिटी तो स्पेसिफाइड होगी कि 250 क्वांटिटी ही आपको बाय करनी है, और ये हर एक स्टॉक के लिए डिफरेंट रहता है, वो आप एनएससी की वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
अदरवाइज यहीं पे कोई एफ एंड ओ स्टॉक आपने हिसाब से वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और उसको बाय करके सिंपल आप जो मेनू दिखाई दे रहा है उसमें देख लीजिए कि कितनी क्वांटिटी का लॉट है, ओके, तो वो भी देख सकते हो, वो बड़ी चीजें नहीं, उसमें हम टाइम नहीं गवाएंगे, ओके। तो ऑप्शन भी आपको क्वांटिटी में बाय करना पड़ता है, और ये जो ऑप्शन आप बाय करोगे वो आपको प्रीमियम पे बाय करना पड़ेगा, ओके। ये जो भी मींस आपको ऑप्शन बाय करना है वो प्रीमियम पे बाय करना पड़ेगा। प्रीमियम कैसे डिसाइड होगा, तो ये जो भी प्रीमियम होगा वो एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस आप कौन सा चूज करते हो, मींस रिलायंस के लिए कौन सी एक्सपायरी डेट या कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप चूज करते हो, उसके मुताबिक आपको उसकी प्रीमियम वैल्यू मिलेगी। अभी भी आपको ये चीजें समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, हम उसे प्रैक्टिकली सारी चीज समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑप्शन हमने डाल के रखा है, कॉल का ऑप्शन है, मई का भी कॉल का ऑप्शन है और जून का भी, ओके। तो यहां पे भी तीन कॉन्ट्रैक्ट आपको नजर आ रहे हैं, ओके। स्टॉक में ऑप्शन में भी तीन कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, जैसे हमने फ्यूचर में देखा वैसे ही। अभी यहां पे हमें बाइंग स्पॉट प्राइस पे नहीं करनी रहती, मींस हम फ्यूचर में क्या करते थे कि प्रीमियम पे था 1940 पे बाय कर लिया, 40 से 50 हो जाएगा, तो वहां पे प्रॉफिट आपका जो था वो डिटरमाइन कौन करता था, उसकी स्पॉट प्राइस 1940 से 50 होगी, 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे जब आपको रिलायंस का ऑप्शन बाय करना है तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपका व्यू कौन सा है, आप रिलायंस के लिए क्या सोच रहे हो। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे रिलायंस का हम चार्ट लगाते हैं, देखिए ये रिलायंस का हमने चार्ट लगाया, लोड हो रहा है, ओके, 1931 की प्राइस चल रही है, ओके। अभी यही जो रिलायंस का मुझे ऑप्शन बाय करना है तो पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा, ये 1931 की प्राइस मुझे लगता है अगर के ये 2000 तक जाएगी तो मैं वहां पे कॉल बाय करूंगा, क्योंकि मेरा जो व्यू है वो बुलिश व्यू है। अगर मैं सोच रहा हूं कि रिलायंस की प्राइस ये पर्टिकुलर एक्सपायरी मैं चूज करूंगा अप्रैल में या जून, जो भी है अपने हिसाब से, वो एक्सपायरी पे ये अभी मैं इसको अगर 1931 पे देख रहा हूं तो 2000 या 2200 होने की प्रोबेबिलिटी बनी है, तो वहां पे मेरा व्यू हो जाएगा बुलिश व्यू, मींस मैं देख रहा हूं कि उसमें तेजी रहेगी, तो वहां पे मैं कॉल बाय करूंगा, रिलायंस का कॉल बाय करूंगा या पुट सेल भी कर सकते हो, लेकिन हम अभी सेल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बाय की बात करेंगे ऑप्शन की, क्योंकि चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी अगर सेल की भी मैं बात करूंगा तो, ओके। तो सिंपली अगर मुझे लगता है कि रिलायंस की प्राइस बढ़ने वाली है तो वो मेरा व्यू है बुलिश और वहां पे मुझे कॉल बाय करना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि ये जो 1931 की प्राइस है वो मैं जो सोच रहा हूँ वो एक्सपायरी पे वो 1900 से कम हो जाएगी या 1850 हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, तो ये मेरा जो व्यू होगा वो होगा बेरिश व्यू, और अगर बेरिश व्यू है मेरा तो मुझे पुट बाय करना चाहिए। अब कौन सा कॉल या पुट बाय करना है तो देखते हैं हम। चलिए अभी 1931 पे चल रहा है तो मेरा सोचना है कि ये जो अप्रैल की जो एक्सपायरी है कॉल की, देखिए यहाँ पे उस पर मैंने स्ट्राइक प्राइस क्या चूज किया। अभी स्ट्राइक प्राइस क्या है वो भी मैं समझाता हूँ, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आप पूरा वीडियो देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। चलिए मैंने ऑप्शन चेन खोल दी, अभी ये ऑप्शन चेन क्या होगी वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आप सिंपली वीडियो को देखते रहे और प्लीज स्किप ना करें, ओके ओके। तो ये रिलायंस का हमने देखिए, ये सी फुल ऑप्शन चेन भी आप देखते हैं लेकिन उतनी जरूरी नहीं है हमारे लिए, हम यहाँ पे ऑप्शन चेन को समझेंगे। ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शन चेन में जो ये आप देख रहे हो ये जो भी सीरीज दिख रही है आपको, प्राइस की जो भी सीरीज दिख रही है, ये सीरीज को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ये प्राइस की सीरीज है, मीन्स रिलायंस का जो स्टॉक है उसकी जो प्राइजेस है उसकी एक पूरी सीरीज लगाई हुई है यहाँ पे, ओके, और इसी को बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। मीन्स यहाँ पे आपको सोचना है कि अभी 1931 पे मार्केट चल रहा है, मेरा मानना है कि मार्केट 2000 से आगे बढ़ेगा,
तो 2000 तो 1900 से ज्यादा ही हो जाएगा, तो मैं वहां पे सोच सकता हूँ कि मैं 1900 का अभी क्या कर लूँ, कॉल बाय कर लूँ। देखिए यहाँ पे कॉल एलटीवी, कॉल को रिप्रेजेंट किया जाता है सीई से और पुट को रिप्रेजेंट किया जाता है पीई से। ओके, कॉल मीन्स बुलिश व्यू, पुट मीन्स बेरिश व्यू। तो मेरा अगर सोचना है 2000 से ज्यादा इसकी प्राइस रहने वाली है कब तक, ये जो अप्रैल का एंड होगा तब तक। तो अप्रैल की ही यहाँ पे देखिए 29 अप्रैल की एक्सपायरी ही हमने चूज कर रखी है, 29 अप्रैल मींस लास्ट थर्सडे है। ओके, वो कैलेंडर में भी देख पाऊंगे। तो यहाँ पे मुझे स्ट्राइक प्राइस अब चूज करनी है। अब स्ट्राइक प्राइस तो चूज करनी है क्योंकि मेरे पास फंड कितना है वो सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मुझे लगता है 2000 से ज्यादा होने वाला अप्रैल तक इसकी जो प्राइस है 2000 से आगे बढ़ेगी, तो मैं देखूंगा कि अभी प्राइस क्या चल रही है 1931, तो मैं एट द मनी बाय करूंगा। अभी एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है, चलिए पहले मैं बात करूंगा। मैं 1940 का जो स्ट्राइक प्राइस है 1940 का वो मैं चूज करूंगा और वहां पे क्या प्रीमियम चल रहा है 59 रुपीज का। कितना 50 रुपीज का प्रीमियम चल रहा, मीन्स 1940 की स्ट्राइक प्राइस पे मैं 50 रुपीज के प्रीमियम पे ये कॉल बाय कर लूंगा। ओके, अभी इतना तो आपको समझ में आ गया, मींस मेरा मानना है 2000 से ज्यादा। अब जैसे जैसे ये जो प्राइस है 1931, ये प्राइस जैसे 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 ऊपर बढ़ेगी, ओके, जितनी भी ऊपर 2000 से भी ज्यादा हो जाएगी अप्रैल तक, तो उतना ये प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा और जितना ये प्रीमियम बढ़ेगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा। मीन्स स्पॉट प्राइस को मुझे नहीं देखना है, मुझे क्या देखना है प्रीमियम 50 मल्टीप्लाई बाय 250, क्योंकि क्वांटिटी 250 रहेगी। ओके, अभी प्रीमियम के साथ उसको देखना है क्योंकि मैंने इसको प्रीमियम पे बाय कर लिया, 50 रुपए के प्रीमियम पे मैंने 250 क्वांटिटी बाय कर ली। ओके, ये कैसे होगा चलिए ये भी समझाता हूँ। चलिए कहाँ पे आ गए हम, अप्रैल। ओके, तो अप्रैल का ये जो कॉल है 1900 का, यहाँ पे 1900 लिया, 1940 था ऊपर, यहाँ पे 1900 अगर हम पिक कर लेते हैं, चलिए 1900 अगर पिक कर लिया तो उसकी प्राइस कितनी है 73 रुपीज। यहाँ पे देख रहे हो आप उसका प्रीमियम कितना है 73 रुपीज। अभी आप बोलोगे 1940 पे तो हमने अभी देखा वहां पे तो 50 रुपीज उसका प्रीमियम था और यहाँ पे 1900 पे 73 रुपीज। तो जितना भी आप डीप जाओगे, ओके, जितना भी आप डीप जाओगे, चलिए वो भी एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, वो थोड़ा भूल गया मैं आपको एक्सप्लेन करना, कोई बात नहीं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए लोड हो रहा है दोस्तों, मैं जरूर बोलूंगा आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसी ही बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए देखते हैं, तो 1940 की अगर स्ट्राइक प्राइस मैं चूज करता हूं तो वहां पे प्रीमियम कितना है 50 रुपीज, ऑलमोस्ट 51 रुपीज वो प्रीमियम प्राइस है। ओके, 1900 पे वो 73 रुपीज। तो ये जो 1940 है आप देख सकते हो ये यहां से हाईलाइटेड है और बाकी का जो हिस्सा है वो ब्लैक देखोगे आप 1960 1980। ओके, और ऊपर का हिस्सा थोड़ा ग्रे है 1940 से। तो ये जो 1940 है मीन्स सारी जो सीरीज है स्ट्राइक प्राइस की जो भी सीरीज है 20 पॉइंट का डिफरेंट है 1860 1920 1940। ओके, तो 1940 उसको क्यों यहाँ पे वो यहाँ पे ग्रे एरिया और जो ब्लैक एरिया है वो एक दूसरे के ज्यादा करीब है, तो ये जो 1940 है उसे बोलेंगे एट द मनी, उसे बोलेंगे एट द मनी मीन्स यही स्ट्राइक प्राइस पे अभी स्पॉट प्राइस रुकी हुई है 1931, कंसिडर किया गया 1940 के आजू बाजू ही है तो उसको एट द मनी बोला जाएगा। और ये 1940 के अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो सारी बोली जाएगी इन द मनी, सो सारी बोली जाएगी इन द मनी। और 1940 से ऊपर की जो भी आपको स्ट्राइक प्राइस नजर आ रही है वो सारी बोली जाएगी आउट द मनी। अब इसका फंडा भी मैं आपको समझाता हूँ। अगर 1940 पे मेरा बुलिश व्यू है, समझ लीजिए मेरा बुलिश व्यू, मैं मानता हूँ 2000 से ऊपर ये जो प्राइस है स्पॉट प्राइस 1931 की वो जाने वाली है, तो 1940 पे अगर 50 के प्रीमियम पे मैं बात कर उसे बाय करना तो 51, ओके, तो इतने प्रीमियम पे मैं बाय करता हूँ
तो यहाँ पे मेरे मेरा जो व्यू है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। हो सकता है ये 51 से 0 भी हो जाए, 1931 अभी प्राइस चले, लेकिन 19 से भी नीचे, 1900 से भी नीचे हो जाए तो वो केस में होगा कि ये जो मेरा प्रीमियम है वो 0 हो जाएगा। और वही केस में ये भी हो सकता है कि ये प्रीमियम जितना बढ़ेगा, मीन्स सॉरी, जो स्पॉट प्राइस है वो जितनी भी ऊपर बढ़ेगी 2022 जो भी, तो ये जो प्रीमियम है वो भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो 51 रुपीज का प्रीमियम है, इससे ज्यादा प्रीमियम बढ़ने के चांसेस ये ऊपर वाले जो जो मीन्स प्रीमियम है उसके रहते हैं, इसीलिए इसको इन द मनी बोला जाता है। मीन्स ये 51 रुपीज अगर 55 रुपये होगा तो यहाँ पे ये 86 96 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और ये सारी चीजें ऑप्शन ग्रीक होता है उस पर डिपेंड करे, उसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा, ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, जो वेगा थीटा गामा, ओके, तो ये सारी चीजें होती है वो इम्पैक्ट करती है ऑप्शन के प्रीमियम पे। ओके, तो उसके बारे में अभी डिटेल में बात नहीं करें, आप वो वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, और हो सके तो ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगा। ओके, तो वो ऑप्शन ग्रीक आपको समझना रहता है, अदरवाइज वो नहीं समझोगे तो भी चलेगा। ओके, मीन जितना डीप में जाओगे आप, और वहां पे वो स्ट्राइक प्राइस पे अगर उसको आप बाई, जैसे 1860 की में अगर प्रीमियम 1860 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर बाई करूँ तो 104 रुपये मुझे पे करने हैं प्रीमियम के तौर पे, तो 104 रुपये मैं पे करूंगा तो समझ लीजिए कि 1900 से नीचे भी होगा तो भी ये मेरा प्रीमियम डीके होके जीरो होने के चांसेस कम है, लेकिन ये 51 रुपीज के जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी, हो सकता है आपके पास पैसे कम हो तो आपको 51 रुपये का प्रीमियम भी चाहिए। आप सोच रहे हो मुझे अप्रैल का जो लास्ट थर्सडे है वहां तक नहीं रुकना है, मुझे उससे पहले कभी भी प्रॉफिट मिल जाएगा मैं निकल लूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा अमाउंट नहीं है। देखिए ये अगर 1940 का स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम पे 51 रुपये पे ये आप बाई कर सकते हो, और यहाँ पे ऑलमोस्ट दुगना हो जाएगा, तो इतने पैसे नहीं है तो आप 51 रुपये वाला प्रीमियम पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अभी वही चीज पुट में भी एप्लीकेबल होती है, पुट में आपका व्यू बेरिश होता है, आपको लगता है कि मार्केट 1940 से कम रहेगा या 1900 से भी कम रहेगा, तो वो केस में 1940 अभी भी है कि ये यहाँ पे 1940 से ऊपर की जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू इन द मनी बोली जाएगी, और ये ऊपर की वैल्यू आउट द मनी, मीन्स मार्केट जितना नीचे गिरेगा इतना ये प्रीमियम आपका बढ़ेगा। ओके, तो ये छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अभी अप्रैल का आपको, चलिए अप्रैल का ये रिलायंस का जो कॉल है वो बाय करना है आपको, ये 1900 का है। ओके, जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है, तो उसकी जो प्रीमियम वैल्यू है वो कितनी है, 73। अभी देखिए उसके लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, 18,300। चलिए इसको सेल करना है मुझे, सेल करने के लिए कितनी अमाउंट, 1,17,000। अब आप खुद कंपेयर कर रहे हो कि इक्विटी में आपको कितना मार्जिन चाहिए था 250 क्वांटिटी बाय करने के लिए, फ्यूचर में आपके पास कितना मार्जिन होना चाहिए था, और ऑप्शन में कितना मार्जिन होना चाहिए, कितना कम हो गया। ये सेल की बात छोड़िए, सेल में मार्जिन थोड़ी ज्यादा रहती है, जब भी आप कॉल या पुट सेल करोगे तो थोड़ी मार्जिन ज्यादा रहती है, लेकिन वो आपके पास अगर कम फंड है तो आप फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर पाओगे, वहां पे आपके लिए ऑप्शन सुटेबल रहेगा। लेकिन बाइंग की अगर बात करें तो इक्विटी में भी हमें 58,000 समथिंग नजर आए थे, और अगर फ्यूचर की बात करें तो वो भी 53,000 है, लेकिन यहाँ पे आप 250 क्वांटिटी ओनली प्रीमियम प्राइस पे, आप 1900 की स्ट्राइक प्राइस पे सिर्फ 18,300 रुपये हैं आपके पास, 20,000 जितनी भी अमाउंट है, तो आप ये ट्रेड कर पाओगे, रिलायंस का ऑप्शन ट्रेड कर पाओगे। ओके, तो ये जो ऑप्शन है वो है अप्रैल का। ओके, इसकी एक्सपायरी है अप्रैल की, वैसे ही यहाँ पे आपको मई की और जून की एक्सपायरी भी नजर आएगी, और वहां पे भी आप देख पाओगे कि जितनी एक्सपायरी के लिए आप टाइम लोगे, एक्सपायरी जितनी दूर होगी उतना आपका प्रीमियम ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पे 172 रुपये है, यहाँ पे 914 रुपये है, यहाँ पे 1844। ओके, तो ये कुछ चीजें हमने आपको एक्सप्लेन की है, तो ये बात की, सॉरी ये सारी चीजें थी वो बैंक निफ्टी की थी, सॉरी रिलायंस की अगर बात करें तो वहां पे उसका अप्रैल का जो कॉल है 1900 का, तीनों जगह पे हमने 1900 का कॉल लिया तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो वो 73 की प्राइस थी, यहाँ पे 111 की प्राइस है, 172 की प्राइस है। ओके, दूसरी एक चीज कि यहाँ पे आप इंडेक्स में भी ट्रेडिंग कर पाओगे, फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में। ओके, तो
अगर ऑप्शन की बात करें, ज्यादातर लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी अभी चल रही है, चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या बता रहा है। चलिए बैंक निफ्टी का अगर चार्ट हम लगा लेते हैं तो बैंक निफ्टी की जो स्पॉट प्राइस है वो है 31,771। ओके, तो यहाँ पे 771 पे यहाँ पे चल रहा है। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, चलिए बैंक निफ्टी का, अगर आपको बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो 31,800 का कॉल हमने यहाँ पे ऑलरेडी वॉच लिस्ट में डाल के रखा हुआ है। वो अप्रैल के लिए भी डाला हुआ है, मई के लिए और जून के लिए भी डाला हुआ है। और हमने आपको पहले भी बोला है कि जो इंडेसिस होते हैं उसके लिए आप एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी भी चूज कर सकते हो। तो वीकली एक्सपायरी देखिए, उसकी 15 अप्रैल है, 22 अप्रैल है, वैसे ही आप जैसे आगे बढ़ते हो 29 अप्रैल है, और वैसे हर एक में एक एक्सपायरी नजर आएगी। हमने दो एक्सपायरी डाल के रखी है आपको समझाने के लिए। ओके, देखिए 15 अप्रैल काफी करीब है, 31,800, 31,800 का कॉल। ओके, क्यों? मेरा मानना है कि 31,800 से मार्केट ऊपर ही रहेगी, तो मैंने 31,800 का कॉल यहाँ पे बाय कर लिया, समझ लीजिए भी बाय कर लिया। तो वो मैं वीकली एक्सपायरी जो आ रही है 15 अप्रैल वो भी चूज कर सकता हूँ, 22 अप्रैल तक भी रुक सकता हूँ, उसे होल्ड करना चाहता हूँ तो, या फिर अप्रैल की एक्सपायरी है, मई की एक्सपायरी है, जून की, वो भी चूज कर सकता हूँ। तो मेरे पास वो सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। सिंपली इतना समझाना है कि वीकली एक्सपायरी भी यहाँ पे होती है, वहां तक आप होल्ड कर सकते हो। चलिए, तो अगर मुझे 15 अप्रैल का अगर 31,800 का कॉल बाय करना है तो उसकी प्रीमियम की वैल्यू कितनी है? 271। वैसे 31,800 की स्ट्राइक प्राइस पे वही कॉल मुझे बाय करना है 22 तारीख तक के लिए, तो वो है 654 रुपये। और वैसे ही आप जैसे जैसे अप्रैल की लास्ट एक्सपायरी 29 है, ओके, तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा, वैसे मई की एक्सपायरी पे प्रीमियम बढ़ेगा, जून की, तो पांचों पे आप देखोगे कि एक्सपायर सॉरी उसकी जो एक्सपायरी डेट है प्रीमियम पांचों का अलग है। ओके, जितना वक्त ज्यादा लोगे मीन्स जितना मीन्स लंबा वक्त के लिए आप वो रुकना चाहोगे उतने उतना आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि उतनी आपको लीवरेज, उतना टाइम मिल रहा है, उतना समय मिल रहा है। ओके, मार्केट में कितनी भी फ्लक्चुएशन हो जाएगी लेकिन तब तक हो सकता है मार्केट डाउन होके फिर से ऊपर भी आ जाए। ओके, तो उतना टाइम ज्यादा होगा, और जितने लंबे वक्त के लिए आप अपना मीन्स ऑप्शन बाय करते हो उतना आपका प्रीमियम डीके होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। मीन्स ये 271 का प्रीमियम है वो जीरो हो जाने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि 15 अप्रैल नजदीक है, जितने नजदीक आप जाते जाओगे एक्सपायरी की उतना प्रीमियम कम होता जाएगा। चलिए 15 अप्रैल पे अगर क्लिक करके देखते हैं, अगर ऑप्शन बाय करना है हमें तो वही फंडा है जो स्टॉक में था, लेकिन ये वीकली एक्सपायरी है। देखिए इसकी एक्सपायरी अप्रैल 15 अप्रैल है। ओके, और प्रीमियम की वैल्यू क्या चल रही है? 271। ओके, कितने में बाय कर सकते हो आप? 6,797 में, 6,800 रुपये ही समझ रहे, इतने होंगे तो आप ये 25 क्वांटिटी, देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी है बैंक निफ्टी की, 25, मीन्स 25 के मल्टीप्लीकेशन में इतनी क्वांटिटी, तो आपके 25, 50, 75, 100, तो 25 की मल्टीप्लीकेशन में आप इसको बाय कर पाओगे। इंट्राडे में देखोगे तो इंट्राडे में भी ज्यादा फर्क नहीं है, आपके पास ऑलमोस्ट 6,800 रुपये होंगे तो आप इंट्राडे में बैंक निफ्टी ट्रेड कर पाओगे 15 अप्रैल के लिए। ओके, अभी वही चीज हम 22 अप्रैल के लिए भी देख लेते हैं। 22 अप्रैल हमने चूज कर लिया तो वो प्रीमियम है 654 रुपये, और वहां पे देखिए प्रीमियम ज्यादा चाहिए आपके पास ओके बाय करने के लिए। चलिए वही अप्रैल की जो एक्सपायरी है मीन्स मंथली एक्सपायरी है उसको अगर देखेंगे तो वहां पे देख लो 914 रुपये है आपका प्रीमियम है। ओके, 25 क्वांटिटी, वो तो एक लॉट रहेगा, 22,000 रुपये होने चाहिए आपके पास। वैसे ही मई की एक्सपायरी आप ले लेते हो तो यहाँ से, तो मीन्स आपके पास फंड कितना है उस पर डिपेंड, आपके पास इतना फंड है तो आप सोचोगे कि चलिए मैं मई तक रुक जाता हूँ, मई का जो लास्ट थर्सडे है वहां तक रुक जाऊंगा, हो सकता है कि ये जो प्राइस है वो 3,100 से 30,000 भी हो जाए, लेकिन दिक्कत नहीं है, मई आते आते ये फिर से 32,000 या 33,000 हो जाएगा तो मेरा प्रीमियम तो बढ़ने ही वाला है। ओके, और ये जो प्रीमियम जितना बढ़ेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ओके, 1844 अभी चल रहा है, अभी 1850 हुआ तो 6 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके,
मीन्स ऑप्शन किस लिए ट्रेड करना है आपको, आपके पास कम अमाउंट है और कम अमाउंट में आपके पास अच्छा नॉलेज है, अमाउंट भले ही कम है लेकिन नॉलेज अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन में आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस वगैरह पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्पेकुलेट कर लिया और वो हो गया, ऐसा नहीं होगा। ओके, और आपको मीन्स काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करते हुए ट्रेडिंग करनी होगी तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकालोगे, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की है और जो चीज़ें रिस्की होती है उसमें नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के बगैर उसमें ट्रेडिंग ना करें। इक्विटी ट्रेडिंग में मैं ये नहीं बोलूँगा नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा मीन्स नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी कम रहती है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। हो सकता है आपने 7-8 हज़ार आपने ट्रेडिंग पे लगाए ऑप्शन में और हो सकता है वही दिन में वो जीरो भी हो जाए। ओके, लेकिन जहाँ तक बात है इक्विटी ट्रेडिंग की, तो वहाँ पे ये चांसेस कम होते हैं, क्योंकि मीन्स कम वॉलेटिलिटी रहती है और ज़्यादातर ये तो रिलायंस, अदरवाइज कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं मीन्स IOC वगैरह, तो सोचो तो वो तो एक पॉइंट भी, एक दो पॉइंट भी दिन में मीन्स बढ़ने में उसको काफ़ी वक्त लगता है। वैसे ही इंडसइंड बैंक वगैरह कुछ है तो उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहती है। ओके, कई सारे ऐसे स्टॉक होते हैं, ऐसा नहीं कि कई स्टॉक ऐसे भी हैं, मारुति है, बजाज फाइनेंस, उसमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी देखने, वो इंट्राडे में भी आपके लिए रिस्की हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है। अदरवाइज ये सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन की है, और यहाँ पे खास तौर पे अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करो तो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करो तो फ्यूचर और ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन है कि लॉट सेम रहेगा, देन शॉर्ट सेल भी आप कर सकते हो लंबे वक्त के लिए और मंथली एक्सपायरी रहती है। लेकिन जहाँ तक बात है इंडेक्स की अगर ट्रेडिंग करने की, निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी फाइनेंस एंड सर्विस की, तो उसके लिए आपको वीकली एक्सपायरी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में मिल जाएगी। तो एक्सपायरी काफ़ी मैटर करती है, एक्सपायरी और आप जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो वो अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ज़्यादा मैटर करते हैं। वहाँ पे आपको इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन की। तो अगर अच्छे से चीज़ें फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं अच्छे से उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता, अदरवाइज़ ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो चांसेस रहते हैं कि कई लोगों को बोरिंग लगती है, तो छोटी वीडियो रखना चाहता हूं और ये सारी चीज़ें मीन्स एक्सप्लेन कर पाऊंगी छोटे से वक्त में, वही मैं चाहता हूं। तो इंडेसिस भी ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो, निफ्टी की क्वांटिटी 75 रहेगी, ओके, बैंक निफ्टी की क्वांटिटी 25 है, और निफ्टी फाइनेंस सर्विस की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप 40 क्वांटिटी है, और वो बाय डिफॉल्ट जो क्वांटिटी है वो मैंने आपको बताई और उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को अगर अच्छे से देख लिया है तो ये सारी चीज़ें फिर से एक बार आप खुद से भी अपने जो जो भी प्लेटफॉर्म जो भी टर्मिनल यूज़ करते हो उसके ऊपर देख लें, और कुछ तो है नहीं, बस इतना कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई लोग हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं उनको ज़रूर से बोलूँगा कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, आपके लिए ऐसे ही बढ़िया वीडियो हम लाते रहें।